है फैलेसी वर्ड का जो डिक्शनरी मीनिंग है वो है मिसलीडिंग और फॉल्स आइडिया एक ऐसा फॉल्स आइडिया जिसको बहुत सारे लोगों को लगता है कि ये ट्रू है फैलेसी अ मिसलीडिंग और अ फॉल्स आइडिया दैट मैनी पीपल बिलीव इज़ ट्रू लाइक बहुत समय तक ये माना जाता रहा कि अर्थ अर्थ इज़ फ्लैट ओके सो एक फैलेसी थी ये एक फॉल्स आइडिया था नाउ बिकॉज नाउ वी नो दैट अर्थ इज राउंड तो लॉजिक में ये फैलेसी कहाँ से आती है ये फैलेसी आती है ड्यू टू इनकरेक्ट रीजनिंग रीजनिंग क्या होती है लॉजिक में हमारे पास एक आर्ग्यूमेंट दे रखा है हम उसकी वैलिडिटी चेक करते हैं यूजिंग रूल्स ऑफ इन्फियरेंस लगा तो इनकरेक्ट रीजनिंग क्या होगी यानी जो हम रूल्स ऑफ इन्फ्लुंस लगा रहे हैं वो जो है सही ढंग से नहीं लगा रहे हैं वो क्या है मिसलीडिंग है और उसकी वजह से हमें लगता है कि कंक्लूजन ट्रू है जबकि वो ट्रू होता नहीं है मतलब क्या है कि एग्ज़ैम्पल की मदद से समझते हैं इस एग्जाम्पल में एक आर्ग्यूमेंट है जिसकी पहली प्रेमिस है इफ़ यू वॉच ऑल द वीडियोज ऑफ मैथ्स एट्सिट्रा ऑन डिस्क्रिट मैथमेटिक्स देन यू विल लर्न डिस्क्रिक्ट मैथमेटिक्स ये प्रेमिस वन बोल रही है कि अगर आपने मैथ्स एट्र एसेट्रा के डिस्क्रिक्ट मैथ्स पर बने वीडियो सारे वीडियोज़ देखे तो आपको डिस्क्रिक्ट मैथेमेटिक्स लर्न कर पाओगे प्रेमिस टू बोल रही है यू लर्न डिस्क्रिक्ट मैथमेटिक्स प्रेमिस टू बोल रही है आपको डिस्क्रिट मैथमेटिक्स आ गई कंक्लूजन क्या बोल रहा है देर फोर यू वॉचड ऑल द वीडियोज ऑफ मैथ्स एट्सेट्रा ऑन डिस्क्रिक्ट मैथमेटिक्स इसका मतलब आपने डिस्क्रिक्ट मैथमेटिक्स पर मैथ्स एट्सेट्रा के बने सारे वीडियोज देखे हैं क्योंकि आपने डिस्क्रिक्ट मैथमेटिक्स लर्न कर लिया है इसका मतलब आपने मैथ्स एट्ट्रा के वीडियोज देख के ही ये डिस्क्रिक्ट मैथमेटिक्स लर्न किया है पर यह ट्रू नहीं है आप डिस्क्रीट मैथमेटिक्स लर्न जरूरी नहीं कि मैथ्स एक्सेट्रा के वीडियोज़ को ही देखें हो सकता है आपने रॉजेन की बुक पढ़ी हो और उनकी मदद से आपको डिस्क्रिक्ट मैथ्स आई है इसका मतलब जो हमारी रीजनिंग है वो क्या गड़बड़ है इसका मतलब इस आर्ग्यूमेंट में हम क्या यूज कर रहे हैं फैलेसी यूज कर रहे हैं ना इसको थोड़ा और अच्छे ढंग से समझते हैं उसके लिए इस आर्ग्यूमेंट की आर्ग्यूमेंट फॉर्म बनाते हैं सपोज ये यू वॉच ऑल द वीडियोज़ ऑफ मैथ्स एट्सिट्रा ऑन डिस्क्रिक्ट मैथेमेटिक्स ये जो स्टेटमेंट है इसको हम प्रपोजिशनल वेरिएबल पी से डिनोट कर रहे हैं यू विल लर्न डिस्क्रिक्ट मैथेमेटिक्स ये जो स्टेटमेंट है इसको हम क्यू प्रपोजिशनल वेरिएबल से डिनोट कर रहे हैं तो इफ देन पहला वाला जो स्टेटमेंट बन जाएगा वो सिम्बॉलिक फॉर्म में बनेगा पी इम्प्लाईज क्यू एंड यू लर्न डिस्क्रिट Disc, मैथमेटिक्स uh, दूसरी प्रीमिस क्यों बन गई देर फोर यू वॉचड ऑल द वीडियोज ऑफ मैथ्स एट्सट्रा मतलब ये क्या बन गया कंक्लूजन क्या है पी है तो ये हमारे पास प्रीमिस वन है ये हमारे पास प्रीमिस टू है और ये हमारे पास कंक्लूज़न हो गया और और इसकी फॉर्म को देख के हमें लग रहा है कि ये जो आर्ग्यूमेंट है वैलिड आर्ग्यूमेंट है मतलब जब भी दोनों प्रेमिस ट्रू हैं तो जो कंक्लूज़न पी है वो भी क्या होगा ट्रू होगा पर अभी हम देखेंगे ये जरूरी नहीं है ये प्रेमिस वन है सपोज ये ट्रू है प्रेमिस टू ये ट्रू है ओके okay? तो हम देखेंगे कि ये जरूरी नहीं है कि उसके इसमें पी कंक्लूजन भी क्या हो ट्रू हो न पहली प्रेमिस देखो कंडीशनल स्टेटमेंट है ना इस कंडीशनल स्टेटमेंट में सपोज जो एंटीसीडेंट है वो फॉल्स है और जो कंसिक्वेंट है वो ट्रू है सो so, जो कंडीशनल स्टेटमेंट का ट्रुथ जो ट्रूथ वैल्यू स्टेटमेंट है वो बोलता है कि अगर एंटीसीडेंट फॉल्स है और कंसीक्वेंट जो है ट्रू है उस केस में भी जो ये स्टेटमेंट है वो क्या होता है ट्रू होता है सो so, इसका मतलब इस केस में हमारे पास जो कंक्लूजन है वो क्या हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा सो so, क्यों ट्रू है इसका मतलब जरूरी भी नहीं है कि जो एंटीसीडेंट है वो क्या हो ट्रू हो और ये एक फैलेसी है क्योंकि हमें लग रहा है कि हमने एक रूल पढ़ा है पी एम्प्लॉज क्यू पी देर फोर क्यू जिसको हम बोलते हैं रूल्स ऑफ रूल ऑफ मॉडस्पोनेंस पर यहाँ सेकेंड प्रमिस पी है जबकि यहाँ सेकेंड प्रमिस क्या है क्यू है इसका मतलब हमारी जो रीजनिंग है उसमें फैलेसी है वो मिसलीडिंग है और इसका मतलब ये जो आर्ग्यूमेंट है ये इनवेलिड आर्ग्यूमेंट है क्योंकि हम अज्यूम करके चल रहे हैं कि अगर कंसीक्वेंट का हम ट्रू अपहम कर दें तो जो एंटीसीडेंट है वो भी क्या हो जाएगा ट्रू हो जाएगा जो कि सही नहीं है फैलेसी है इसीलिए इस फैलेसी को हम बोलते हैं फैलेसी ऑफ अपहमिंग द कंसिक्यूंट एंटीसीडेंट इस कंडीशनल स्टेटमेंट है क्यों कंसिक्यूंट फेलेसी ऑफ अफर्मिंग द कंसिक्यूंट सो यह आर्ग्यूमेंट फॉर्म पी एम्प्लाइज क्यू क्यू देर फोर पी चाहे पी क्यू कोई उसका स्टेटमेंट कोई भी हो जब भी आर्ग्यूमेंट फॉर्म होगी ये इनवेलिड आर्ग्यूमेंट होगा ड्यू टू फेलेसी ऑफ अफर्मिंग द कंसिक्यूंट और कई बार हम इस फैलेसी को बोलते हैं कई बार इस फैलेसी को बोलते हैं कन्वर्स एरर कन्वर्स एरर क्यों बोलते हैं सपोज ये पहली वाली प्रेमिस हमारे पास इस फॉर्म में हो Q एम्प्लाइज P सेकेंड प्रेमिस तो Q है ही तो बाई रूल ऑफ मोडिस्पोन जो है ये क्या हो जाएगा ये जो है हमारे पास एक वैलिड आर्ग्यूमेंट हो जाएगा क्यू एम्प्लॉयज P Q देर फोर पी बट यहाँ प्रॉब्लम ये है कि P Q एम्प्लाइज P जो है P एम्प्लाइज Q का क्या होता है कन्वर्स होता है और ये दोनों स्टेटमेंट्स आपस में लॉजिकली लीक्वलेंट नहीं है पी इंप्लाईज क्यू मीन क्यू एम्प्लाईज भी ओके सो इसीलिए इस फैलेसी ऑफ अफर्मिंग द कंसिक्यूएंट को हम कई बार क्या बोलते हैं कन्वर्स एरर बोलते हैं और ये जो फैलेसी ऑफ अफर्मिंग द कंसिक्यूएंट है इसका जो क्वांटिफाइड वर्जन है वो फॉर्म ये फॉर्म ऐसे बन जाती है फॉर एवरी एक्स पी एक्स एम्प्लाइज क्यू एक्स पहली प्रेमिस

सो so, एक और एग्जाम्पल लेते हैं सो so, ये हमारे पास एक एग्जाम्पल है देखते हैं कि ये वैलिड आर्ग्यूमेंट है या इसमें कोई फैलेसी है ये आर्ग्यूमेंट की पहली प्रेमिस बोल रही है ऑल इन्वायरमेंटलिस्ट आर वेजिटेरियंस दूसरी प्रेमिस बोल रही है कबीर इज वेजिटेरियन कंक्लूजन बोल रहा है देरपोर कबीर इज़ एन इन्वायरमेंटलिस्ट सो यहाँ पे ऑल वर्ड यूज हो रहा है इसका मतलब ये क्वान्टिफाइड स्टेटमेंट्स हैं तो सबसे पहले हम क्विकली इसको आर्ग्यूमेंट फॉर्म में लिखते हैं और पिछले तीन चार वीडियोस में हमने कई एग्जांपल्स लिए जहाँ हमने इंग्लिश सेंटेंस uh, को कन्वर्ट किया था सिंबॉलिक uh, फॉर्म्स में सो so, यहाँ पे यहाँ पे परसन्स की बात हो रही है तो हमारा डोमेन ऑफ डिस्कोर्स होगा ऑल पर्सन्स सपोज ई एक्स प्रपोजिशनल फंक्शन डिनोट कर रहा है एक्स इज एन इन्वायरमेंटलिस्ट ई एक्स एक्स इज एन इन्वायरमेंटलिस्ट वेजिटेरियन सपोज वी एक्स प्रपोजिशनल फंक्शन डिनोट कर रहा है एक्स इज अ वेजिटेरियन सो ऑल की जगह लिखेंगे हम फॉर एवरी एक्स इफ एक्स इज सो फॉर एवरी एक्स इफ एक्स इज एनवायरमेंटल देन कंडीशनल स्टेटमेंट एक्स इज वेजिटेरियन सेकेंड कबीर इज वेजिटेरियन सो कबीर इज वेजिटेरियन एक्स की जगह हम कबीर पुट करें तो ये वी कबीर इज कबीर इज वेजिटेरियन सो सेकेंड बन जाएगा वी कबीर देयरफॉर ये सिंबल देयरफॉर के लिए कबीर इज एन एन्वायरमेंटलिस्ट ई एक्स का मतलब है एक्स इज एन इन्वायरमेंटलिस्ट अगर ई एक्स में एक्स की जगह कबीर पुट करें ई कबीर कबीर इज एन इन्वायरमेंटलिस्ट तो ये हो जाएगा ई कबीर सो एवरी एक्स ई एक्स इंप्लाइज वी एक्स वी एयर फोर ई ए ये जो आर्ग्यूमेंट फॉर्म है ये वैलिड आर्ग्यूमेंट फॉर्म नहीं है इसमें फेलेसी है फेलेप ये हमारा एंटीसीडेंट ये कंसिक्वेंट और ये कौन सी फेलेसी है फेलेसी ऑफ अपर्मिंग द कंसिक्वेंट सो ये आर्ग्यूमेंट फॉर्म वैलिड आर्ग्यूमेंट फॉर्म नहीं है इसमें फेलेसी है फेलेसी ऑफ अपर्मिंग द कंसिक्वेंट दट ये जो ओरिजिनल आर्ग्यूमेंट है ये वैलिड आर्ग्यूमेंट नहीं है अगर इस वीडियो का कंटेंट आपको समझ में आया तो ये आपके लिए ए बी सी डी फोर प्रॉब्लम्स हैं चार आर्ग्यूमेंट्स आपको देखना है कि क्या ये आर्ग्यूमेंट्स वैलिड हैं या इनमें कोई फैलसीज है इस वीडियो को पॉज कीजिए प्रॉब्लम्स को सॉल्व कीजिए और अपने आंसर्स को इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में पोस्ट कीजिए एंड ऑफकोर्स मैथ्स एट्सिट्रा को सब्सक्राइब कीजिए थैंक यू